हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ पेडिक क्लोरिल सिरप के बारे में, जो आती है डॉक्टर रेड्डी की 30 ml की। और आज इसके बारे में, इसके यूज़, इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसका जल्दी से आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, ये है पेडिक क्लोरिल, जो इसमें आपको कंटेंट मिलता है वो है आपका ट्रिकोली फोर्स ओरल सेंसन, और ये आता है आपको 500 mg का आता है। और यहाँ पर कुछ इंजेक्शन दे रखे हैं। ये पेडिक की यूज़ है, बच्चों के लिए आता है यूज़ ओनली, और इसको बच्चे या फिर डॉक्टर की या फिर फार्मासिस्ट की सहायता से ही बच्चों को यूज़ करवाएं। और इसके MRP जो मिलती है वो है 75 रुपये की, तो शायद अब जाके बढ़ गई होगी आगे के लिए। तो बेसिकली बात करते हैं इसके यूज़ की। तो दोस्तों, ये वैसे बेसिकली नींद के लिए होता है, जैसे बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, कभी नींद नहीं आ रही है, सोते नहीं हैं, तो उनके लिए होता है। जैसे त्वचा गर्म और लाल हो जाती है, उनमें यूज़ होता है। दांत, जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय परेशानी होती है, बच्चों को रोते चिल्लाते रहते हैं, तो उसमें यूज़ हो सकता है। बेचैनी वगैरह हो सकता है, दौरे पड़ने में उसमें भी यूज़ हो सकता है ट्रिकोली फोर्स का यूज़। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, और आप इसका यूज़ आराम से बच्चों में डॉक्टर की सहायता से करिएगा। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसमें पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकती है, उल्टी हो सकती है, और मितली और चकते वगैरह भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसका यूज़ करते हैं तो डॉक्टर को प्लीज़ पहले कंसल्ट कर लीजिएगा, तब जाके इसका यूज़ करिएगा। अगर आप इसके ओवरडोज ले लेते हैं तो आपको कई साइड इफ़ेक्ट और कई दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पर आपको वार्निंग वगैरह भी दे रखी है कि भैया मेडिकल रजिस्ट्रेशन, मेडिकल स्टोर से ही, जो मेडिकल फार्मासिस्ट वगैरह हो या फिर डॉक्टर हो, तो उससे यूज़ करिएगा। तो इसमें ये आता है आपका 30 ml का। और जो डोज की बात करते हैं, तो एडल्ट वगैरह में लेते हैं तो जैसे 10 ml ले सकते हैं, 30 मिनट पहले, सोने से पहले बच्चे को दे सकते हैं। 1 साल तक के 25 से 30 mg दे सकते हैं, और बच्चों में वजन के अनुसार दिया जाता है डोज। और 6 से 12 साल के बच्चे को 5 से 10 ml दे सकते हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चे को 2.5 से 5 ml तक दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, क्योंकि अब डॉक्टर सामने भी देखेगा किस तरीके की उसको बीमारी है, तभी जाके उसका एक अच्छा डोज उसको मिल सकता है। अगर आप इसका अपना भी यूज़ करते हैं तो बेकार, अपना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी टैबलेट है बच्चों को, बच्चे के लिए, बच्चे को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है और कई रात भर रोते रहते हैं, तो उसको आप इसका यूज़ करवा सकते हैं, और वजन के हिसाब से उसका वेट हो, वजन के हिसाब से उसकी डोज आराम से मिल सकती है। तो बहुत बढ़िया सिरप है ये पेडिक क्लोरिल, आपको हर मेडिकल स्टोर पे आराम से ये मिल जाता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही पेडिक क्लोरिल सिरप के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।